तो ये गाइस कैसे हो आप लोग, वेलकम बैक टू दिल्ली राइडर्स। तो गाइस दिख रहा होगा आपको कैसा लग रहा है, ये इसकी आवाज़ आ रही होगी आपको, तो गाइस बताना कमेंट सेक्शन में कैसा लग रहा है। वैसे एंगल भी अच्छा ही आ रहा है मुझे जहाँ तक लग रहा है, बस वो थोड़ा मेरे माइक के चक्कर में नहीं हो पा रहा। अभी मैंने माइक खरीदा था बट ये इसमें जो हाउसिंग है इसके अंदर माइक सपोर्ट नहीं हो रहा गाइस, देन ये प्रॉब्लम आ रही है। वरना तो यार वीडियो तो देखने में सही लग रही है, तो दिखाते हैं। तो भाई ये हमारा नेशनल स्टाइल, तो भाई आपको दिखाते हैं आज और भी बढ़िया चीज़ें देख रहे होंगे भाई, आपको अच्छा लग रहा होगा ऐसे तो। थोड़े इतने हैं गाइस, गड्ढे इतने हैं यहाँ पे भाई। आवाज़ तो आ रही होगी आपको, मैं बताऊँगा, मेरे को खुद नहीं पता कि कैसे आई होगी आवाज़, क्योंकि ये वही मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने फिटपाथ का कैमरा मंगवाया था तो उसी की उससे आवाज़ आ रही है। मतलब एक्सटर्नल माइक मैंने लगाया नहीं, इंटरनल माइक जो है इसका उसी से रिकॉर्ड हो रही है। जो फिटपाथ का कैमरा था उसकी क्वालिटी देखिए गाइस, आपको खुद ही पता चल जाएगा कैसी क्वालिटी है, मेरे को ज़रूर बताइएगा। वैसे कैसा लग रहा है आपको, सही आ रही है। पहले मैंने फ़ोन से भी ब्लॉग की थी गाइस, आपको पता होगा मैंने पहले फ़ोन से भी ब्लॉग किया था, बट यार वो थोड़ा मतलब सही था, वो पिक्सल विक्सल सही है, बट उसमें ये है कि यार थोड़ा रिस्क भी है कि कहीं फ़ोन वोन गिर गया, तो इस चक्कर में मैंने ये फ्लिपकार्ट का कैमरा मंगवाया। भाई आपको पता होगा, देखिए अगर आपने वो देखा नहीं है तो वो भी कर सकते हैं आप, अगर आप नॉर्मल ज़्यादा स्पीड में ही चलाते, हाईवे वाईवे पे नहीं जाते, अगर यहीं नॉर्मल ब्लॉगिंग करनी है तो गाइस आप उससे भी कर सकते हैं फ़ोन से। बट यार जो रियल है जो वो, उसके लिए भी यार एक फ़ोन में वाइड एंगल होना ज़रूरी है, आपको तो पता ही होगा वाइड एंगल के बिना तो ब्लॉगिंग मतलब नाम की है होगी नहीं। ये जैसे है मान के चलो आपकी गाड़ी है हाईवे पे और आप एकदम स्पीड में जा रहे हो, देन आपका फ़ोन सडनली गिर जाए, देन आप उसके बाद क्या करोगे, आप उतरोगे उतना टाइम में पीछे से गाड़ी इतनी चलती है आपको पता है हाईवे पे। बट ये गोप्रो का माउंट जब तक ना लगेगा गाड़ी में, जब तक मतलब हेलमेट में जो माउंट होता है क्लिप पूरे कन्फर्म होकर ना लगेंगे, देन तब तक तो यार रिस्क वाला ही काम है, बट कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी टाइम बाद चला रहा हूँ मैं भी गाड़ी, गाइस सामने से लुक देखो उसका, गाइस लुक तो इसका बढ़िया ही है। आपको दिख रहा होगा, तो गाइस चलो चलते हैं। वैसे गाड़ी गंदी हो गई यार, थोड़ा यहाँ पे डस्ट वस्ट ज़्यादा रहता है इसी वजह से गाड़ी थोड़ी गंदी हो गई, तो कोई बात नहीं, आपके लिए तो करना पड़ता है इतना, करता ही है। तो गाइस चलते हैं बैक, गोइंग टू
गाइस, पहले मैं कुछ और देख रहा था, थोड़ा माइंड आउट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम चलते हैं हम थोड़ा आगे और देखते हैं कोई एरिया बढ़िया सा जहाँ थोड़ा हम और बढ़ा सकते हैं थोड़ी बहुत। हमेशा गाड़ी चलाओ देन हेलमेट हमेशा पहनो, विदाउट हेलमेट रिस्क ही नहीं लेना भाई, रिस्क ही नहीं लेना। विदाउट हेलमेट तो जाओ मत कहीं, क्योंकि कब जाने कब क्या हो जाए। इधर तो मैं पहली बार आ रहा हूँ, एरिया कौन सा है मुझे तो नहीं पता, अच्छा ममता मॉडर्न स्कूल याद आ गया, याद आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत सारे, हाँ एक कमेंट भी आ रहे थे मेरे पास कि भैया हैंड गार्ड आप बता दो कहाँ से लगाया लीडी एलईडी वाला। गाइस मैंने कितनी बार बता दिया आपको, अगर ये हैंड गार्ड आपको चाहिए तो गाइस मैं आपको लिंक भी दे रखी थी, कोई बात नहीं डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके चेक कर लेना। और गाइस बहुत बार बता दिया मैंने, ये हैंड गार्ड आप ऑफलाइन मंगवाओ, ऑफलाइन मंगवाओ, बहुतों की बार बार आती थी भैया ये कहाँ से DM भी आते हैं। और गाइस अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम अगर अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो भी कर लेना, मैं लिंक भी दे दूँगा कि आपको पे आ रहा होगा। ये देखो कैसे और मजा आ रहे हैं सारे, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये देखो अभी गिर जाती है गाड़ी, यही है ना अंधे होते अंधे लोग, क्या कहें। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा गाइस और शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। फिर अगर नए हो तो हमारे भाई का चैनल है, आपके वजह से आज यहाँ तक हैं और आगे भी जाएंगे। तो गाइस बताना ये व्यू कैसा लगा आपको, कि ये कैमरे से व्यू कैसा आ रहा है और मतलब जो कलर है कैसा आ रहा है दिख रहा होगा आपको। तो वी आर हेयर टू गो टू बैक होम, तो यहाँ पे काम चल रहा है पेंटिंग, देखोगे आप कोई नहीं, हम अपने घर चलते हैं।